मोहन भागवत बोलता कुछ है और करता कुछ है। ये बड़ूवादी मीडिया जितना भी है वो सारे के सारे पूंजीपतियों के इशारे पे चलते हैं। राजनीति में हम कमजोर नहीं हो रहे, अलग अलग लड़ रहे, इसीलिए हम कमजोर दिखते हैं। हम लोग अगर संगठित हो जाते हैं तो हम राजनीति में मजबूत बनेंगे। मोदी जी आज तक दोनों बार प्रधानमंत्री बने हैं मगर 31% वोट से बने हैं, 69% वोट तो उनके अगेंस्ट में है। ये 69% वोट अगर एक होता है तो कभी भी बनुवादी पार्टियां इस देश में शासक नहीं बन सकती। बहुजन पार्टियां जितनी भी हैं वो आज कल किसी भी कहीं भी सत्ता में नहीं है। अगर एक स्टालिन की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो आखिर क्या वजह है, ये क्यों नहीं सत्ता में आ पा? देखिए, आपने छोड़ दिया जाए बताया, स्टालिन की पार्टी छोड़ दिया नहीं जाए, स्टालिन की पार्टी ने करके दिखाया है कि ब्राह्मणों को उनका रास्ता दिखा दिया है। तो अब उसकी हिम्मत देख करके तमाम नेता एक हो जाएंगे और मनुवादियों को चैलेंज करेंगे, ये जरूर। कांशीराम साहब ने 2020 के बाद होने वाला ये कहा था और आज मोदी जी वही काम कर रहा है। हर पिछड़े वो नेता के पीछे वो पिछवाड़े पे मारता है। तो जब अत्याचार बढ़ता है ना, एक भेड़ बकरी जाती है अगर उसके ऊपर अत्याचार, बार बार मनुवाद कहते हैं, मनुवाद कौन है, मनुवाद क्या है? देखिए, मनुवाद एक विचारधारा है, जैसे अम्बेडकरवाद है, गांधीवाद है, वैसे मनुवाद है। ये मनुवादी विचारधारा है, ये विचारधारा गैर बराबरी की बात है। हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं मगर हिंदू समाज समझता नहीं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, ये जो समाज व्यवस्था है, ये व्यवस्था अगर खड़ी रहती है तो यथास्थित है और अगर ये समान हो जाती है तो परिवर्तन है। तो हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात भागवत कह रहे हैं कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। मोहन भागवत बोलता कुछ है और करता कुछ है, मनुवादी बोलता है वो करता नहीं है, और हमें जो करना है वो बोलना नहीं है। आने वाले समय में तमाम बहुजन के नेता मजबूरी भी होगी एक हो जाएंगे और इस देश में शासक बनेंगे। विनोद जी, आपको नहीं लगता मोदी जी ने जो आप लोग जातीय की राजनीति करते थे, जाति की, वो खत्म करके अब धर्म की राजनीति शुरू होगी ये देश में? देखिए, धर्म की राजनीति शुरू नहीं हुई है। ये बड़ूवादी मीडिया जितना भी है वो सारे के सारे पूंजीपतियों के इशारे पे चलते हैं और वो उनका दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा सोशल मीडिया है वो इतना पॉपुलर नहीं है, या तो लोग इतने देख नहीं पाते। बाकी हमारी ही ताकत है, उनकी कोई ताकत नहीं है 15 की। हम लोग फूंक मारे तो उड़ जाएंगे। सर, आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं, आप लोगों ने अपना मीडिया क्यों नहीं खड़ा करा? देखिए, बाबा साहब भी न्यूज़पेपर चलाते थे, पेरियार साहब भी चलाते थे अपना मीडिया, मान्यवर साहब ने भी चलाया अपना मीडिया, हमारे तमाम महापुरुषों ने तो चलाया मीडिया। देखिए, मान्यवर साहब ने बहुजन संघक चलाया था, मान्यवर साहब ने बहुजन संघक चलाया था, महाराष्ट्र में बहुजन नायक भी चलता था, मगर जैसे साहब का देहांत हुआ तो बहन जी ने बहुजन संघक बंद करके माया युग शुरू किया, मगर वो माया युग ज्यादा चला नहीं, वो युग कहाँ चला गया वो पता नहीं है। तो अब क्या आगे की रणनीति आप लोगों की? रणनीति में यही है कि इनको मजबूर किया जाएगा, बहुजनों के नेताओं को, उनको खुला पढ़ दिया जाएगा कि आप कांशीराम साहब के चेले थे तो आज क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। आपकी भी पार्टी है भारतीय कांग्रेस, बहुजन कांग्रेस पार्टी, आप आगे क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय बहुजन कांग्रेस ये कहती है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हमें आर्थिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। कांशीराम साहब आर्थिक न्याय की बात करते थे, वो कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो जमीन ये अब संपत्ति अर्जित करने का साधन है, कहीं भी संपत्ति ऊपर से आसमान से नहीं टपकती है, भूमि पे टपकती है। तो भूमि पे कब्जा किसका है? मुट्ठी भर लोगों का है। जब 1952 में जमींदारी कानून बना तो 1952 में कानून बनने के बाद तो सारी जमीन सरकारी है, तो ये जमीन आज कागज पर सरकारी है मगर कब्जा उन्हीं मुट्ठी भर मनुवादियों का है। तो कुछ करना नहीं है, हमारी सरकार बनती है तो हम भूमि का बंटवारा करेंगे और भारत में इतनी पर्याप्त भूमि है कि देश के हर भूमिहीन परिवार को, यानी बहुजन समाज के 25 करोड़ परिवारों को 8 बीघा जमीन दे सकते हैं मैक्सिमम, और कम से कम 3 बीघा जमीन दे सकते हैं। तो बताइए, भूमि अगर रहेगी तो उसका घर भी बनेगा, रहेगा, खेती करेगा, गृह उद्योग करेगा, कुटीर उद्योग करेगा, तो सब कुछ कर सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या होता है ये इन्हें पता ही नहीं है। आज सरदार पटेल की बात मोदी करता है मगर सरदार पटेल ने खुद कहा है हिंदू राष्ट्र अगर आएगा तो देश सत्यानाश खत्म हो जाएगा। सरदार पटेल की बात है ये। तो हिंदू राष्ट्र ये मुट्ठी भर लोगों की सोच है और मीडिया दिखाता है, बाकी हिंदू राष्ट्र कोई हिंदू नहीं चाहता है।
मीडिया की बड़ी भूमिका जो हालात बने हुए अभी। आज के जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं वो सिर्फ पैसे के आधार पे वो पूंजीपतियों का काम करते हैं और वही लोग दिखाते हैं कि हिंदुत्व है। हिंदुत्व कुछ भी नहीं है, कोई हिंदुत्व नहीं है। लेकिन विनोद जी, आपके पास अब कार्ड नहीं लगती है, आप लोगों के पास अब कार्ड नहीं है सरकार? हमारे पास कार्ड है, माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, उनका सिद्धांत तो भूल गए ना आप लोग? कोई भूला नहीं है, सब लोग देखिए कोई भूला नहीं है। आज इतने बड़े 130 करोड़ आबादी है और इतने बड़े समाज को कोई एक नेता नहीं जोड़ पाया, तो माननीय कांशीराम साहब ने तो पूरे देश में बहुजनों में नेतृत्व पैदा किया। आज विनोद नायक जैसे कई नेता है, आज वो ऐसे ही पार्टी नहीं चलाते, सब लोग विचारधारा को लेकर चलते हैं और एक समय आएगा कि सारे एक हो जाएंगे, कोई मौका कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विनोद नायक जी, इस समय जितनी पार्टियां जितने संगठन चल रहे हैं सब बहुजनों के बाबा साहब को मानव गौतम बुद्ध को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए ये हमें ऐसा लगता है टोकरे में बेचते हैं, हर कोई आजाद हुआ 75 साल हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। 75 साल हो गए, ये बात भी सही है, बहुत कुछ हुआ है। माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व के समय में 90 के दशक में 5 साल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुआ, तो आप सोचिए बहुत कुछ हुआ है बहुजन की आइडियोलॉजी से। नहीं, बदलाव तो हुआ है सर समाज में। कांशीराम साहब तो पहले चाहते थे लंगड़ी सरकार बनाओ, अधूरी सरकार बनाओ, जितने जल्दी चुनाव होगा उतना हमारा उन्नति ज्यादा होगी। तो वही तो आप लोगों ने तो काम नहीं करा। देखिए नहीं, ऐसा है, साहब कहते थे मजबूत सरकार में मजबूत लोगों का काम होता है और मजबूत सरकार में मजबूतों का काम होता है, तो कांशीराम साहब मजबूत सरकार चाहते थे, मगर बहन जी ने सोचा कि 3 बार मेरी लंगड़ी सरकार बनी है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से सौदा किया और बहुजन से सर्वजन बना लिया कि हम पूर्ण बहुमत से बनेंगे, मगर जो वो लंगड़ी सरकार में जितना काम कर पाए उतना वो पूर्ण बहुमत में बहन जी नहीं कर पाए। मजबूर सरकार में फायदा बहुजनों जी, और 24 में ये होने वाला है, बहुजनों का ऐसा एक ग्रुप बनेगा, तीसरी ताकत बनेगी बिन कांग्रेस बिन बीजेपी, और जो तीसरी ताकत बनेगी वो 100 से ज्यादा सीट नहीं रहेगी मगर वो बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा और वही इस देश में राज करेंगे।